ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां हल्का दीनानगर के गांव मसराला की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें जोगिंदर सिंह नाम के एक दलित व्यक्ति को रस्तों से बांधा हुआ है। इसमें जोगिंदर सिंह के आरोप है कि वो गांव के ही रहने वाले कुछ लोग उसे उठाकर घर से ले गए, जहां उसको बंधक बनाकर उसकी बुरी तरह से पिटाई की और उसकी पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। काफी समय के बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने आकर उसे छुड़वाया। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, वहीं पुलिस अब मामले की जांच करने की बात कह रही है। ब्रदर महिंद्रपाल सरपंच दे घरों असीं 11 बजे घर नूं आ रहे सी, ते महिंद्रपाल अपने घर नूं वापस हो गया, ते मैं जदों अपने विजय कुमार पुत्र मोहन लाल ते राकेश कुमारी पत्नी विजय कुमार अजय अक्षय कुमार पुत्र विजय कुमार ते राहुल पुत्र कमल किशोर ये चार जने सी। ये चार ने मैनू मतलब भी गाला कलोच किया भी चूड़िया से मेरा तेनों अज छड़ना नहीं, तू साढ़े हाथों अज बच नहीं सकता, मारन दी धमकियां दित्तियां गईयां ते मेरे इन्होंने बेसबाल मारे ना आंदे मेरे ते मैनू उन्हें धक्का दे के अंदर गेट के अंदर करके ते मैनू उन्हें बंदी बना के ते मार कटाई की है। बहुत ज़्यादा मेरे नाल धक्का किया आ ते मैनू जद सिर ते भी शब्द बोलिया चूड़िया से मेरा तेनों छड़ांगे तेनों मार देंगे ते वीडियो हाँ जी और वीडियो मतलब भी थोड़े नत्थी की वायरिंग की इन्होंने तो ये वीडियो भी जी इन्होंने अद्धी वायरिंग की मतलब भी पूरी नहीं इन्होंने की। हाँ जी मैं चाहता भी मैंने साफ किया मतलब भी मिले तो इन्होंने कदों की घटना हुई है? ये घटना 14 तरीक की हुई है रात 11 बजे। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई अजे नहीं की, अभी सलाह कर दी कोई कार्रवाई लड़ाई का पहला उन्होंने मतलब झगड़े अज तो मतलब भी मुकदमा 30 / 12 गुरदासपुर जिले के गांव मसराला के रहने वाले जोगिंदर सिंह कहते हैं कि वो अपने गांव के सरपंच के घर से रात को अपने घर जा रहा था तो उसके गांव के ही रहने वाली महिला राकेश कुमारी, उसके पति विजय कुमार और उसके बेटों सहित चार लोगों ने उसे गली से उठाकर अपने घर ले गए और उसकी बुरी तरह से पिटाई की और उसकी वीडियो भी बनाई जो कि उन्होंने वायरल कर दी। जब इस सारे मामले को पुलिस के द्वारा ध्यान में लाया गया तो उनके घर से उसको पुलिस छुड़वा कर लाई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। वहीं गांव के सरपंच का कहना है कि जोगिंदर पाल मेरे घर से गया था, अब गांव के कुछ लोग इसे उठाकर अपने घर ले गए और इसकी बुरी तरह से पिटाई की। इस दोनों परिवारों का आपस में पहले से कोई केस कोर्ट में चल रहा है, जिसको वापस लेने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गांव के सरपंच का भी कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिंड मछराले की घटना तो ये बंदे जड़े दो ही मेरे को जोगिंदर सिंह महिंद्रपाल मेरे को बैठे थे रात तो बैठे आप गप्पा शप्पा मारने 11 का करीब टाइम ही अपने घर गए तो घर महिंद्रपाल के घर के सामने मैडम का घर आ उ जिन्होंने मतलब काम किया तो जो उतों लंघ रहा ही तो मैं जितों पता लगा जो मतलब मैं भी होर से जरा मैं सारे दसिया गा कि इतों लंघ रहा तो इन्होंने मतलब खिंच के अपने घर खड़िया तो ये मार कटाई की है, वीडियो बना के उन्होंने वायरल करती है तो वो सारे ने मैसेज आ गए मतलब आई है मोबाइल से। इन्हों के पुराना भी झगड़ा होया सर पहले 12 च इन्हों का झगड़ा है तो वह पार्टी के उत्ते चार्जर लगे रहा जी कोर्ट केस चलता ये इन्होंने कंट्रोल रूम से फोन किया महिंद्रपाल ने जोड़ा इन्हें नाल गया ही उन्होंने सामने उन्हों का घर ही तो उन्होंने कितने जो चीकां सुनिया तो फिर इन्होंने फोन किया फिर पुलिस गई है पुलिस ने छड़ा लिया। मंग जो देखो जो बंदे इंसाफ होना चाहिए जो उन्होंने गलत का होया इंसाफ मिलना चाहिए। शिकायत मसूल हुई है कि कुछ जोगिंदरपाल ना के बंदे इन्होंने पहला शामी कुछ झगड़ा हुआ राती लेट आते तो इन्होंने लेडी है उतों की नाल एक दो मुंडिया ने फड़ के घर को बनिया बुनिया जाके तो कुटिया तो वह मैं असी अरे पड़ताल कर रहे हैं मेरी एस एच ओ ने गल हुई है दोवें पार्टियां इकट्ठे कर रहे हैं जो भी कानून अनुसार जी सा कार्रवाई बनती होगी की जाएगी। मैं अभी देखी नहीं कि मैंने पता लगा है पर जो भी रियलिटी है वो कड़ा तो वे अनुसार कानूनी कार्रवाई जी देखो उन्होंने एलीगेशन लाया जो साबित होएगा तो कार्रवाई पेगी जो उन्हें गलत किया जोड़ा गलत करूगा नहीं मैंने अभी तक नहीं पता पर असं वेरीफाई गल ही करते पे हाँ शाम तक क्लीयर करके जो बनती कानूनी कार्रवाई हो जाएगी।